आज दिनांक 11 सितंबर 2024 को विकास काशी के नेतृत्व में ई रिक्शा चालकों ने जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस दौरान ई रिक्शा चालक शास्त्री घाट वरुणा से प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी गाड़ियों की चाबी देने पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास काशी अपने चालक साथियों की मांग को लेकर शास्त्री घाट वरुणा पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ई रिक्शा चालकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यही नहीं कहीं भी ई रिक्शा स्टैंड की व्यवस्था नहीं है और कहीं उनको रुकने नहीं दिया जाता है। ई रिक्शा चालकों का रुकने पर उनका चालान काट दिया जाता है, ऐसे में रिक्शा चालक करें तो क्या करें। अब नया कानून बन रहा है कि ई रिक्शा पर लाल पीली हरी पट्टी लगेगी और दूरी निर्धारित कर दिया जाएगा, जिसको लेकर चालकों को परेशानी हो रही है। वाराणसी से शमीम हसन की रिपोर्ट। हम की है उसको कहां से भरे? अगर बार कोड जमा कर रहे लगा रहे हैं तो हम कलियों में चला के अपना पेट कैसे, अपने अपने पत्नी को हम दवा कहां से लाएंगे? अभी आज के डेट में मैं डेली दोनों पत्नी पति और पत्नी 100-150 रुपए का दवा खाता हूं। बताइए इस हालात में हम कैसे अपने परिवार को बचा पाएंगे? हम कहते हैं कि अगर गरीबों के लिए मोदी जी को यही करना था तो क्यों जो है कि क्यों फिर संचालन किए कि इस पर कोई चार्ज नहीं, कोई जो है कि परमिट नहीं, गरीब आदमी चलाएगा खाएगा दिएगा? हम बुढ़ा आदमी हम किससे मांगे? किसी का बेटा दे रहा है किसी को? हम मोदी जी से यही कहेंगे कि गरीब गरीब का माता पिता है तो उनको रहने दे इस दुनिया में। ये गलत कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, आप कहाँ चले आखिर में? किसी के घर का चूल्हा कैसे जलता है? हम कैसे अपने पत्नी को दवा ले जाएंगे, कैसे हम खाने को ले जाएंगे, गलियां में चला कर क्या करेंगे? पब्लिक से भी हमारा मांग है, हम इतने तकलीफ में आज हम 4-5 दिन से कैंप पर नहीं जाते डर के मारे। हम 100-150 रुपए लेके जा रहे हैं, वो गाड़ी का कहीं पंचर हो जा रहा है बनवा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा बनवा रहे हैं, घर पे कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं, हम क्या करें? वीडियो फेसबुक पे डाला, नेट पे ये दर्द है हमारे।